गुड मॉर्निंग बच्चों, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, 2.5 के हमारे क्वेश्चन 1 से 6 तक हो चुके हैं। तो मैं आपका दो चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में अपन रिवीजन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो भी आपके टेस्ट होंगे, फर्स्ट टेस्ट होने वाले हैं या जब भी होंगे, जो भी डेट होगी, तो उसके लिए अपना रिवीजन भी हो जाएगा और जो आपका कुछ छूट भी गया तो वो भी आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन आप तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल करो। पहले सरल रूप में बदलें और उसके बाद में इन समीकरणों को हल करना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें 3 ब्रैकेट में टी माइनस 3 बराबर 5 ब्रैकेट में 2t प्लस 1 हो गया। अब आप इसको क्या करें, ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है उसको अंदर की संख्या यानी 3 को t से भी गुणा करेंगे और 3 को 3 से भी गुणा करेंगे। 3 को t से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3t। माइनस 3 को 3 से करेंगे, 3 3 9। ऐसे ही 5 को 2t से गुणा करेंगे तो 5 2 10t प्लस 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 1 5। अगला, ये आपको पता, 3t इसके पास पहुंचा दे 10t के पास, 10t पहले ही, और 3t जब इधर जाएगा तो माइनस का 3t हो गया, और 5 जो है इधर पहुंचा दे माइनस का 9 और इधर हो जाएगा माइनस का 5 इधर जाएगा, जब हो गया दोनों 5 की जगह बदली है अपन ने, इसलिए चिन्ह बदला है, और 3 की जगह बदली है 10t के पास लेके गए, इसलिए इसका चिन्ह बदला है। क्लियर है? अब देखिए, आप 10t में से 3t गए तो 7t बराबर माइनस के कितने हो गए, 14। तो टी बराबर माइनस के 14 और 7 जो है उसके नीचे आ जाएगा। 7 का भाग 14 मिलेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस और नीचे की प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में है 15 ब्रैकेट में है वाई माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट में वाई माइनस 9 प्लस 5 वाई प्लस 6 बराबर 0। अब इन सबको वैसे ही जैसे अपन ने हल किया, ब्रैकेट के बाहर की संख्या उसको अंदर से गुणा, यानी 15 को वाई से गुणा करेंगे, 15 वाई, माइनस 15 को 4 से गुणा करेंगे, 15 3 45, 15 4 60, माइनस 2 को वाई से गुणा करेंगे, 2 वाई, 2 को 9 से गुणा करेंगे तो माइनस 2 ना। अब ये है कि देखो माइनस का है ये, तो माइनस के 2 को गुणा करेंगे वाई से तो माइनस का 2 वाई, माइनस को 2 को इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 नाम 18 प्लस 5, प्लस के 5 को वाई से गुणा करेंगे तो 5 वाई, प्लस के 5 को प्लस के 6 से गुणा करेंगे तो प्लस का 5 6 का 30 हो गया बराबर 0। अब क्या करें, वाई 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 तो इधर रहते थे, बिना वाई की संख्या दूसरी तरफ ले जाते हैं। पहले देखो वाई वाई यानी 15 वाई है, माइनस 2 वाई है, प्लस 5 वाई है बराबर, ये 60 इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, ये 18 इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, ये 30 इधर ले जाएंगे माइनस का 30 हो जाएगा, जीरो का मतलब नहीं रह गया। अब इनको सॉल्व कर लो, 15 और 5 20, 20 में से 2 निकाल दो तो कितने बचे, 18 वाई बराबर। अब इसमें से 60 में से 30 निकाले तो कितने बचे, 30। अब 30 में से 18 निकाल दो तो कितने बचे, पहले 20 और 20 में से भी 8 निकाल दिए, यानी कि कितने बचे, 12। ठीक, अब y बराबर 12 बटे 18, 6 का भाग दे दो, 6 2 12 और 6 3 18, यानी y का मान कितना आ गया है, 2 बटे 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में है 3 ब्रैकेट में है 5 z - 7 - 2 9 z - 11 बराबर 4 ब्रैकेट में 8 z - 13 और -17। जैसे आप ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या को ब्रैकेट वाले से गुणा करते आए वैसे ही करें, 3 को 5 से गुणा किया, 3 5 15 z, -3 को 5 7 से गुणा किया, 7 21, -2 को इससे किया, -9 2 18 z, माइनस माइनस प्लस के 11 2
22 बराबर 4 + 6 = 8 = 32 जेड और माइनस के 3 × 6 = 13 = 52 -17। अब आप जेड जेड वाले एक तरफ रख लो तो ये हो जाएगा 15 जेड माइनस का 18 जेड और उधर से आएगा 32 जेड तो ये हो जाएगा माइनस का 32 जेड बराबर उधर की संख्या ऐसे कैसे लिख दो माइनस का 52 है माइनस का 17 है। अब ये माइनस का 21 उधर जाएगा प्लस का 21 ये प्लस का 22 उधर जाएगा माइनस का 22। अब सॉल्व कर लो जरा देखो देखे ये दोनों माइनस के हैं यानी 15 जेड और माइनस के कितने हो गए 8 और 2 = 10 + 1 = 4 और 1 = 5 माइनस के 50 जेड बराबर माइनस की कितनी संख्याएं हो गई 52 माइनस का है 17 माइनस का और 22 माइनस का है सबको जोड़ दो 7 + 2 = 9 + 2 = 11 हासिल 1 = 6 और 1 = 7 और 2 = 9 हो गया। अब है 7, 8, 9, 10, 11 हासिल किए 6, 7, 8, 9 ये हो गए माइनस के और प्लस का हो गया 21। आप जरा माइनस के 50 में से 15 निकाल दो तो 10 में से 5 गई 5 यहाँ बचा 4 4 में से 1 गया 3 35 जेड एक माइनस के 91 में से निकाल दो 1 में से 1 गया 0 9 में से 2 गई 7 माइनस के और ये भी माइनस का तो दोनों माइनस माइनस इधर ही कर दो हर तरफ तो जेड इज इक्वल टू हो गया 70/35 35 का भाग 70 में दिया तो 35 × 70 यानी 2 बार तो जेड का मान कितना हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का 0.25 / 4f - 3 = 0.05 और ब्रैकेट में 10f - 9 जैसे हल करते आए 0.25 को 4 से गुणा करो 25 × 100 दो डिजिट है तो दो संख्या आगे पॉइंट एफ -25 = 75 यानी आगे पॉइंट तो ये हो गया 0.00f - 0.75 बराबर इसको इससे गुणा किया तो ये हो गया 10 × 50 दो संख्या आगे पॉइंट हो गया। अब यानी 0.50 हो गया। अब अगला है ये -5 / 45 दो संख्या आगे पॉइंट है ये हो गया 0। अब हो गई हमारे पास में सॉल्व। अब एफ एफ की यही रख लो तो एफ का 1.0f है बाकी और एक उधर है ये एफ का है क्लियर ये भी इधर ले आओ 1.00f और उधर से आएगा माइनस का 0.50f बराबर उधर रह गया माइनस का 0.45 और ये भी इधर चला जाएगा प्लस का 0.75 तो जरा इनको जोड़ ले तो कितना हो जाएगा 1.50 ये प्लस का ये माइनस का है तो एक में से पॉइंट घटा दे तो कितना होगा 0.50f आप घटा के देखो देखो ऐसे 1.00 और 0.50 घटाएंगे 10 में से 5 गए 5 और यहाँ रह गया 0 यानी 0.50 हो गया हमारा घटाने पर f बराबर अब यहाँ 0.75 में से देखो 0.75 में से 0.45 घटाओ 5 में से 5 गई 0 7 में से 4 गई 3 यही बचा तो यानी 0.30 तो f बराबर 0.30/0.50 आपको पता है कि पॉइंट के बाद दोनों तरफ बराबर संख्या है तो पॉइंट हटा सकते हैं और यूँ लिख सकते हैं 1 0 से 1 0 कट गई तो बटा 3/5 आप इसको भाग भी दे सकते हो पॉइंट में भी ला सकते हो पॉइंट में लाने के लिए देखो 5 का भाग 3 में दिया नहीं जा रहा पॉइंट लगाया 0 5 6 का
30 यानी 0.6, ये हो गया इसका आंसर। तो ये हो गई आपकी आज एक्सरसाइज 2.5 जो है वो कंप्लीट, और नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे 2.6। 2.6 जो है वो आपके इस चैप्टर सेकंड की लास्ट प्रश्नावली है जो अपन दो दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।